हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ABCD एजुकेशन। जो कि आज मैं कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन ला रहा हूँ, साथ में उसके सॉल्यूशन भी हैं क्वेश्चन के, सो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। यूनिवेक, व्हाट इज़ यूनिवेक? यूनिवेक क्या है? इसका आंसर है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्स आप देख लीजिए, फर्स्ट यूनिवेक, यूनिवेक तो करेक्ट आंसर है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एंड एक्सप्लेनेशन में बता देता हूँ, दे आर नो कंप्यूटर विद अ नेम एज इन अदर ऑप्शन। यूनिवेक वॉज द फर्स्ट जनरेशन जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डिजाइन फॉर कॉमर्शियल यूज प्रोड्यूस्ड बाय यूनिवर्सल अकाउंटिंग कंपनी। एक यूनिवर्सल अकाउंटिंग कंपनी है, उसके लिए प्रोड्यूस्ड हुआ है, ऑफ जॉन मॉचली, ये इन्वेंटर है इनके, इसके यूनिवेक के इन्वेंटर समझो, यूनिवेक जॉन मॉगली एंड JP एकर्ट इन 1951। सो इसका आंसर है फर्स्ट। सेकंड है CD-ROM स्टैंड्स फॉर, इसका आंसर क्या हो सकता है? CD-ROM स्टैंड्स फॉर, इसका है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसको आप डिटेल में रीड कर सकते हैं कि CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी क्या होता है। दे आर नो ऑब्जेक्ट विद अस नेम एज इन अदर ऑप्शन। CD-ROM इज अ नॉन वोलेटाइल, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट पूछे CD-ROM वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल, तो अपना आंसर कह सकते हैं नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज मीडियम यूजिंग द सेम फिजिकल फॉर्मेट एज ऑडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, रीडेबल बाय अ कंप्यूटर विद अ CD-ROM ड्राइव। द स्टैंडर्ड 12 सेंटीमीटर डायमीटर CD-ROM स्टोर अबाउट 660 मेगाबाइट्स। सो आंसर इज डी। नेक्स्ट है ALU का क्या हो सकता है आंसर? ALU का आंसर है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, फर्स्ट ए अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। इसका डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एक्सप्लेनेशन क्या होगा? ALU इज द यूनिट इन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU। CPU में जो यूनिट है ALU वो होती है अर्थ लॉजिकल यूनिट। एंड CPU के पार्ट भी इसे कह सकते हैं। CPU के जो पार्ट हैं देखो, फर्स्ट अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, मेमोरी भी है, ठीक है। मेमोरी में आप जानते हैं मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी आता है। हाँ तो ALU इज़ अ यूनिट एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इन अ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अर्थमेटिकल कैलकुलेटर एंड लॉजिकल ऑपरेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि क्या काम करता है, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन अर्थमेटिक कैलकुलेशन का यूज होता है एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अपार्ट फ्रॉम ALU द CPU कंटेन MU या मेमोरी यूनिट एंड CU कंट्रोल यूनिट। मैं बता आपको, मेमोरी रहता है और कंट्रोल यूनिट भी रहती है साथ में, ये 3 रहते हैं, ALU मेमोरी एंड कंट्रोल यूनिट। सो करेक्ट आंसर इज ए। एंड फोर्थ VGA, ये भी पूछे जाते हैं डायरेक्टली, VGA का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको कहेंगे ए, इसको बोलेंगे ए आंसर, यानी वीडियो ग्राफिक एरे, याद रखना VG से वीडियो ग्राफिक एरे। अब इसके थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं क्या होता है वीडियो ग्राफिक एरे। आप देख सकते हैं फोर्थ आंसर यानी वीडियो ग्राफिक एरे क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। VGA इज़ अ टाइप ऑफ ग्राफिक एडेप्टर, यानी वीडियो ग्राफिक एरे इज़ अ टाइप ऑफ ग्राफिक एडेप्टर। ग्राफिक एडेप्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड दैट कंट्रोल द डिस्प्ले ऑफ ए मोनिटर। आप इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यू कैन रीड ईजिली रीड दैन सो दैट VGA फर्स्ट से स्टार्ट देखते हैं, रीड करते हैं। VGA इज अ टाइप ऑफ ग्राफिक्स एडेप्टर। ग्राफिक एडेप्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है जो कि कंट्रोल करता है डिस्प्ले, किसकी मॉनिटर के डिस्प्ले को कंट्रोल करता है ग्राफिक एडेप्टर। एंड द डिवाइस हेल्प द मदर बोर्ड टू वर्क विद द मॉनिटर एंड इन VGA एंड SVGA द लास्ट लेटर ए क्या होता है, स्टैंड्स फॉर एरे।
whereas MDA, CGA, MCGA, the last letter A stand for adapter. Adapter. So answer is A. And next here, IBM 1401 is क्या है ये, कौन सी जनरेशन का है, किस जनरेशन का है IBM 1401? इसका आंसर कह सकते हैं, वी कैन से दैट सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन. इसको डिटेल में रीड करते हैं थोड़ा. IBM 1401 इज आंसर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर. एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, IBM 1401 इज अ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर एंड इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू इंटर नेपाल इन इंटर नेपाल इन 2028 BS फॉर सेंसस. गवर्नमेंट ऑफ नेपाल हैज ब्रॉट दिस कंप्यूटर ऑन रेंट एंड लेटर परचेज्ड फॉर द डाटा प्रोसेसिंग इन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक. आफ्टर दिस कंप्यूटर अनदर ICL 2950 upon 10 ब्रिटिश कंप्यूटर वॉज परचेज्ड बाय द फंड ऑफ UNDP एंड UNFPA फॉर द सेंसस ऑफ 2038 BS इज सेकेंड कंप्यूटर इन नेपाल. सो आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ. MSI स्टैंड फॉर, ये शॉर्ट में काफी पूछ सकते हैं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है. MSI स्टैंड्स फॉर क्या हो सकता है, इसका आंसर है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट. मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आंसर इज ए. इसको थोड़ा डिटेल में रीड करते हैं. सो दैट MSI स्टैंड्स फॉर आंसर इज मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट. एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ IC चिप मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट. IC चिप द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर प्लग्ड इन टू नेक्स्ट फेज स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड एंड मीडियम स्केल इंटीग्रेशन. यानी कि SSI एंड MSI वर यूज इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. ये थर्ड जनरेशन में यूज हुआ है SSI एंड MSI एंड लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड. यानी कि LSI एंड VLSI आर बी यूज इन फोर्थ जनरेशन. यार ना दिस फोर्थ जनरेशन एंड दिस मे बी यूज थर्ड जनरेशन. सो दैट पीपल आर नाउ एक्सपेक्टिंग ULSI मीन्स अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज टू बी फिफ्थ जनरेशन. ये भी पूछा जा सकता है, जो अभी इस जनरेशन अभी जनरेशन चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन चल रहा है, उसमें कौन सा सर्किट यूज़ करते हैं. तो आप कह सकते हैं कि ULSI मीन्स अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन थर्ड, जिसमें थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन. थर्ड में करते हैं मीडियम स्केल इंटीग्रेशन एंड स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड फोर्थ जनरेशन में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड अभी जो चल रहा है अभी फिफ्थ जनरेशन मीन्स अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. नेक्स्ट है द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज. याद रखना इसका क्वेश्चन लास्ट बार व्यापम में पूछा था. द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज, इसका क्वेश्चन इसका आंसर है 1.44 MB. इसको मैं डिटेल में बताता हूँ. सेवन क्वेश्चन, सेवन आंसर इसका क्या है, 1.44 MB मेगाबाइट. यानी माइक्रो फ्लॉपी डिस्क 3.5 इंच इफ इट इज़ हाई डेंसिटी MF2HD कैन स्टोर 1.44 MB एंड इफ इट इज़ लो डेंसिटी MF2DD इट कैन स्टोर 720 KB क्लोबाइट. मिनी फ्लॉपी डिस्क 5.25 इंच माइक्रो, ये भी पूछ सकते हैं माइक्रो फ्लॉपी डिस्क एंड मिनी फ्लॉपी डिस्क. ठीक है इसमें स्टोर 1.25, इसमें कितना रहता है स्टोर 1.44. ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. सो दैट अब हाँ फ्लॉपी डिस्क यानी कि मिनी फ्लॉपी डिस्क 5.25 इंच इफ इट इज़ हाई डेंसिटी
can store 1.2 MB and low density store 360. देखो आप इसका हाई स्टोर कितना करता है 1.4 MB एंड लो डेंसिटी कितना 720 माइक्रो फ्लॉपी का एंड मिनी फ्लॉपी का हाई करते हैं 1.2 एंड लो 360 KB. सो इसका आंसर है डी. द फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन नेपाल. द फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन नेपाल आंसर इज बी IBM 1401. इसका डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा. एट्थ द फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन नेपाल वॉज IBM 1401. एक्सप्लेनेशन द IBM 1401 ए सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वॉज ब्रॉड इन नेपाल बाय द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल पेइंग 1,25,000 पर मंथ टू यूज इन द सेंसस इन 2028 BS. बिफोर दिस कंप्यूटर नेपाल वॉज यूजिंग अ कैलकुलेटिंग डिवाइस कॉल्ड फैशिट फॉर स्टैटिकल टास्क. सो IBM 1401 द फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन नेपाल. याद रखना अच्छा क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है एन नाइन वैन स्टैंड्स फॉर. इसका आंसर इजीली बी है वाइड एरिया नेटवर्क. वाइड एरिया नेटवर्क ये वाइड एरिया नेटवर्क एक तरह का एग्जांपल बताता हूँ. जो इंटरनेट है वो एक वाइड एरिया नेटवर्क है जो कि इंडिया को या वर्ल्ड को भी कनेक्ट करता है. दैट्स वाइड एरिया नेटवर्क. वाइड मीन्स नाम से आप इसको दे सकते हैं. नाइन्थ आंसर दे आर द थ्री डिफरेंट क्लासेस ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क नेमली लोकल एरिया नेटवर्क दैट कवर अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया सच एज अ रूम अ बिल्डिंग और अ कंपाउंड. मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क क्या होता है ये लोकल एरिया नेटवर्क है. लोकल एरिया भी पूछ सकते हैं. लोकल एरिया ये लोकल एरिया नेटवर्क. देन स्मॉल जियोग्राफिक एरिया सच एज अ रूम बिल्डिंग और अ कंपाउंड ये लोकल एरिया नेटवर्क है. बट मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क क्या होता है दैट हैज़ अ सिटी वाइड कवरेज एंड वाइड एरिया नेटवर्क दैट कवर द होल ग्लोब और बियॉन्ड द ग्लोब. याद रखना मैन लैन एंड वैन ये थ्री टाइप होते हैं. लोकल एरिया नेटवर्क मैन मेट्रोपॉलिटिकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एंड वैन वाइड एरिया नेटवर्क. वाइड एरिया नेटवर्क बताया था होल ग्लोब एंड बियॉन्ड द होल यानी पूरे वर्ल्ड में भी नेटवर्क ले सकते हैं. इंडिया पूरे वर्ल्ड में. इसका टेंथ MICR स्टैंड्स फॉर आंसर इज ए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर. इसको समझते हैं. टेंथ MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर. MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर इज काइंड ऑफ स्कैनर दैट कैन स्कैन एंड आइडेंटिफाई द राइटिंग ऑफ मैग्नेटिक इंक. द डिवाइस इज यूज्ड इन बैंक टू वेरीफाई सिग्नेचर इन चेक. नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCDIC स्टैंड्स फॉर. इसका आप रीड कर सकते हैं ABCDIC स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड. इसका आंसर है ABCDIC इज एन 8 बिट बाइनरी कोड फॉर लार्जर IBM इंडियन बिजनेस मशीन प्राइमरली मैन फ्रेम इन विच ईच बाइट रिप्रेजेंट वन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर और टू डेसिमल डिजिट. 256 कैरेक्टर कैन बी कोडेड यूजिंग ABCDIC यानी कि इसका फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड. टू PCD यानी क्या होता है. इसका आंसर है ए बाइनरी कोडेड डेसिमल. इसके बारे में बताता हूँ जल्दी थोड़ा. बाइनरी कोडेड डेसिमल इज अ बाइनरी कोडेड नोटेशन इन विच ईच ऑफ द डेसिमल डिजिट इज एक्सप्रेस्ड एज अ 8 बिट बाइनरी न्यूमेरल. फॉर एग्जाम्पल इन बाइनरी कोडेड डेसिमल नोटेशन 12 इन 0001 0010 एज अपोज टू 1100 इन प्योर बाइनरी. देन थ्री ASCII स्टैंड्स फॉर आंसर इज सी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. हाँ तो थ्री ASCII इज अ कोड विच कन्वर्ट कैरेक्टर लेटर डिजिट पंक्चुएशन एंड कंट्रोल कैरेक्टर सच एज ALT अल्ट्रा टैब ETC इन टू न्यूमेरल फॉर्म
ASCII code is used to represent data internally in microcomputer. ASCII coded are 7 bit and can represent 02 to 127 and extended ASCII are bits that represent 02 to 55. Fourth, which of the following is first generation of computer? IBM ho nahi sakta, CDC nahi, ICL no. So answer is A. EDSAC, इसके बारे में बताता हूँ थोड़ा. सो आप देख सकते हैं EDCM एंड और भी इसमें ऑप्शन है, इसमें बताता हूँ कि IBM 1401 CDS 1604 इज सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर. ये कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन के एंड ICL 2900 इज अ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एंड EDSAC इज अ इम्पोर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिंस इट वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज जॉन वॉन न्यूमैन्स स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट. और याद रखना फर्स्ट इसका ये इंपॉर्टेंट है कि इट इज यूज 3000 वैक्यूम ट्यूब यूज करते हैं, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में. ठीक है, ऐसे कि फोर्थ जनरेशन माइक्रो सेकेंड में सर्किट, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट. वैक्यूम ट्यूब आर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर. आप देख सकते हैं फोर्थ, विच ऑफ द फोर्थ तो कंप्लीट हो गया. हाँ, चीप कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, कह सकते हैं वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व्स एंड दिस इज आई थिंक इंटीग्रेटेड सर्किट बारे बताया था मैंने. अब ट्रांजिस्टर ये सारे जनरेशन में आते हैं. याद रखना मैंने बताया था इंटीग्रेटेड सर्किट जो कि थर्ड जनरेशन में आता है एंड ट्रांजिस्टर आता है सेकंड जनरेशन में. देन रीड कर सकते हैं ट्रांजिस्टर वर यूज्ड फॉर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर एंड इंटीग्रेटेड सर्किट इन थर्ड जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व्स एज देयर मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट. वैक्यूम ट्यूब वर इन्वेंटेड बाय ली डी फॉरेस्ट इन 1908 एंड फोर्थ जनरेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोसॉफ्ट फोर्थ जनरेशन में. सो आप फॉर्टन क्या एक लैंग्वेज है, इसका फॉर्मूला है फॉर्टन मीन्स फॉर्मूला ट्रांसलेशन. आंसर इज सी फॉर्मूला ट्रांसलेशन. ये फर्स्ट लैंग्वेज है, देख सकते हैं फॉर्टन यानी फॉर्मूला ट्रांसलेशन इज वन ऑफ द अर्लियर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू राइट साइंटिफिक एप्लीकेशन. इट वॉज डेवलप्ड बाई IBM इन 1956 IBM यानी इंडियन बिजनेस मशीन इन 1956. सेवन डबल ई पी आर ओ एम स्टैंड्स फॉर सो आंसर इज ए इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. इसके बारे में थोड़ा डायरेक्टली कह सकते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. एट्थ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वर डेवलपिंग ड्यूरिंग आंसर इज 1956 to 1965 एंड फर्स्ट जनरेशन 1946 to 1956. देन एक्सप्लेनेशन क्या, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर एज देयर मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट. ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड बाय बेल लैब साइंटिस्ट जॉन बर्डन वाल्टर ब्रेटन एंड विलियम सॉकले इन 1947 एंड वॉन द नोबल प्राइज इन 1956 बट इट वॉज नॉट यूज इन कंप्यूटर टिल 1956. द सेकेंड जनरेशन कंटिन्यूड अनटिल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IC चिप्स इन्वेंटेड बाय जैक किल्बी इन टेक्सास इंस्ट्रूमेंट इन 1958. नेक्स्ट द कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन ए कंप्यूटर जो साइज होता है वेरी लार्ज किस जन. सो इसका आंसर है फर्स्ट जनरेशन. द कंप्यूटर साइज वॉज वेरी लार्ज इन फर्स्ट जनरेशन. देख सकते हैं फर्स्ट जनरेशन, इट इज ऑब्वियस दैट कंप्यूटर डेवलप विद मोर पावर रिलेटिव स्पीड एंड स्मॉलर साइज ड्यू टू द एनहेंसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज 1000s ऑफ वैक्यूम ट्यूब दैट रिक्वायर्ड लॉट ऑफ स्पेस मेड देम गिगांटिक इन साइज. सिंगल ट्रांजिस्टर कुड रिप्लेस 1000 वैक्यूम ट्यूब इन अ सिंगल IC चिप्स रिप्लेस्ड 1000s of transistor made computers small and more speedily. मैंने आपको बताया था microprocessor क्या है. microprocessor are switched in switching devices are for which generation computer. fourth generation. answer इसका fourth generation.
देख सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर फर्दर रिवोल्यूशनलाइज्ड द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर. पर्सनल माइक्रो कंप्यूटर वर पॉसिबल ड्यू टू द माइक्रो प्रोसेसर. द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कॉल्ड इंटेल 4004 वाज डेवलप्ड बाय अमेरिकन इंटेल कॉर्पोरेशन 1971. माइक्रो प्रोसेसर आर यूज्ड इन द कंप्यूटर ऑफ फोर्थ जनरेशन.